हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति। और इसकी प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 2 से आगे तक हल कराऊंगा और इसका नवा भाग लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारी गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो विद्यार्थियों, आज हमारा सवाल नंबर 2 है, जो कि आपके पुस्तक में लिखा है, 1/7 बराबर 0.142857 इन अंकों की पुनरावृत्ति है। बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, 1/7 इसका दशमलव प्रसार दिया गया 0.142857 इन अंकों की पुनरावृत्ति। देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको उदाहरण सिखाया था, उसमें हमने आपको बताया भी था बच्चों कि 1/7 यानी हम 1 में 7 का भाग देंगे। तो बच्चों देखो, यहां पे हमारे पास शेष पर कितना है, 1 है। अब यदि हम भाग देंगे, जब तक भाग देते रहेंगे कि जब तक वापस इस 1 शेष पर की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे 1 शेष पर की पुनरावृत्ति हो जाएगी, हम वहीं पे भाग की क्रिया को छोड़ देंगे। तो देखिए, इस 1 में 7 का भाग देंगे, कुछ भी संख्या नहीं है तो 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, 10 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है, 7 × 7 बस गया 3। फिर हम 0 उतारेंगे, बच्चों ध्यान देना, तो 30 बन जाएगा, 7 का भाग 4 बार जाएगा, 7 × 28। बाकी करने बच जाएगा 2, फिर 0 उतारेंगे तो 20 बन जाएगा, 7 का भाग जाएगा 2 बार, 7 × 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 उतारेंगे। अब 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 8 = 56, 4 बच जाएगा, फिर हम 0 उतारेंगे तो 40 बन गया, 40 7 का भाग देंगे, 7 × 35 घटाने पर बचेगा 5, फिर हम 0 उतारेंगे तो 50 बन जाएगा और 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाता है, 7 × 7 = 49। कितना बच गया शेष पर बच्चों, ये 1 बच गया। देखो शुरू में शेष पर कितना था, 1, और हमने भाग हम देते रहे, कब तक देते रहे कि जब तक ये 1 की पुनरावृत्ति ना हो,
यहां पे हमको शेष फिर पुनः प्राप्त हो गया एक, ये शेष फिर क्या प्राप्त हो गया हमको पुनः, इसका मतलब भाग की क्रिया ये आगे चलती रहेगी। तब जाके एक बड़ा सात का मान क्या आया 0.142857, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। तो ये हमारे पास एक बड़ा सात का मान प्राप्त हो गया। अब इनका बिना भाग दिए, देखा ना, बिना लंबा भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए हमें इन सभी के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर एक लिखा है 2/7, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो बच्चों, इस 2/7 को हम ले सकते हैं 2 × 1, देखो 2 को ले सकते हैं 2 × 1, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करें 2 ही आता है, 7/7 का 7 आगे आप समझ में। देखो 2/7 हम 2 को ले सकते हैं 2 × 1, तो 2 को गुणा 1 से करें 2 ही तो आता है, अर्थात हम 2 को ले सकते हैं 2 × 1/7। आगे देखिए 2 का 2 गुणा, अब 1/7 का मान हमारे पास दे रखा है, तो हम लिख देंगे 0.142857 की पुनरावृत्ति। अब देखिए बच्चों, हम इन संख्याओं को 2 से गुणा करेंगे, 2 का 7 से गुणा करेंगे 14, 5 से लिखे 1, 2 × 5 = 10 और 1 जोड़ देंगे 11, 5 से लिखे 1, 2 × 16 और 1 × 17 = 7, 5 से लिखे 1, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और 2 को 0 से गुणा करने पर 0। अब यहां लगा देंगे दशमलव, ये आ गया पहला आंसर। तो 2/7 का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात हो गया। इसी प्रकार देखो आप इसका अगला सवाल, अब यहां आ गया 3/7, ये हमने हल कर लिया 3/7। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने 2 को लिखा 2 × 1, अब हम 3 को लिखेंगे 3 × 1, 3 × 1/7, 3 × 3 × 1/7 का मान लिखेंगे 0.142857 की आवृत्ति। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो देखो क्या आता है, 3 का 7 से गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21 = 1, 5 × 2, फिर 3 × 5 = 15 और 2 × 17 = 7, 5 × 1, फिर 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 5 × 2, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 12 = 2, 5 × 1, 3 × 3 = 3, 3 × 1 = 4, दोबारा देख लो 3 × 7 = 21 = 1, 5 × 2, 3 × 5 = 15, 2 × 17 = 7, 5 × 1, 3 × 24 = 25 = 5, 5 × 2, 3 × 24 = 25, 5 × 2, 3 × 6 = 2, 8, 3 × 12 = 2, 5 × 1, 3 × 1 = 4। अब हम पूर्ण लगा देंगे यहां पे, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा सवाल, ये 4/7, इसको करेंगे इसी प्रकार, 4 को लिखेंगे 4 × 1/7, 4 का 4 और 1/7 का मान भर देंगे हम 0.142857, 1, 4, 2, 8, 5, 7। अब हम इसको गुणा करेंगे, ये हमारी लिखी है 0.142857,
किसको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, देखो ध्यान से आप गुणा करना, जिसे आपने सिखाया कि 0.571428 ये आएगा। अब देखिए अगला, अगले में लिखा मेरे पास 5/7, तो 5 को लिखेंगे 5×1 ये 7 ऐसा का वैसा लिखेंगे, 5 का 5 और 1/7 को लिखेंगे 0.142857। अब हम इसको भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.714285। इसी प्रकार 6/7 लिखा है, 6/7 तो 6 को लिखेंगे 6×1/7 वैसा का वैसा, 6 की जगह 6 और 1/7 का मान वहां पर लिखेंगे 0.142857। अब हम इसको ही बच्चों गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, देखो गुणा करने पर इसको गुणा करें 6 को 7 से तो 42 की 2 हासिल के 4। अब 6 को 5 से करेंगे 30 और 4 34 की 4 हासिल के 3। फिर 6 को 8 से करेंगे 48 और 3 51 की 1 हासिल के 5। फिर कितनी 12 12 5 17 की 7 हासिल के 1। फिर 6×24 24 से 25 की 5 हासिल के 2। फिर 6×24 6×2 8 ये हम गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, देखो 0.857142 0.857142। इस प्रकार बड़े सिंपल सवाल है बेटा, 1/7 का मान दिया है, 2/3 3/7 4/7 5/7 6/7 का 10% हमने ज्ञात कर लिया। कैसे देखो 2 की जगह 2 आ गया है, 2/7 में 1/7 तो 2×1/7 इसमें 3×1/7 इसमें 4×1/7 इसमें 5×1/7 इसमें 6×1/7 हम लिखेंगे और दिए गए मान को इनसे गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू का मान शून्य नहीं है। अब देखो बेटा हमारे पास ये 3 संख्याएं दी गई है, इन तीनों को ही अपन को P/Q के रूप में परिवर्तित करना है या व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों ध्यान से समझना, पहला हमारे पास दी गई संख्या क्या लिखी है, 0.6 की बार यानी अंक 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। हमें यह पता नहीं कि संख्या क्या है, हमें पता नहीं है, तुम दी गई संख्या को x मानकर चलेंगे। कैसे मानेंगे, माना x=0.6 की बार, इसको हम लिख सकते हैं x=0.6 और 6, इसको आगे तक लिख सकते हैं अपन क्योंकि हम 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 को हमने बार बार लिखा, तो x बराबर हमने लिखा 0.66, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। अब देखो बच्चों हमारे सवाल में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 के बाद में 1 ही अंक है और इसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, तो हम इस समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करें, 2 अंक होते तो 100 से गुणा करते और 3 अंक होते तो 1000 से गुणा करते। हमारे सवाल में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम इस दी गई समीकरण को 10 से गुणा करेंगे।
तो लिखना पड़ेगा समीकरण एक को दस से गुणा करने पर। अब देखो बेटा, इसको भी दस से गुणा करेंगे और इसको भी दस से गुणा करेंगे, तो देखो x गुणा दस 0.66 गुणा दस, तो देखो 10 को 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10x। अब इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 0.66 को हम 10 से गुणा करेंगे, पहले 0 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगी, 0 को इससे गुणा करेंगे, 0 इससे गुणा करेंगे तो भी 0, इससे गुणा करेंगे तो भी 0। अब 1 का गुणा करेंगे किसी संख्या से वही प्राप्त होती है, 1 को 6 से गुणा किया 6, 1 को 6 से गुणा किया 6, 1 को 0 से गुणा किया 0, ये 0 और ये आ गया 6, ये आ गया 6 और ये आ गया 0। अब दो संख्या छोड़ के कोड लगाएंगे हम तो ये बन गया 6.60, अर्थात 10 से गुणा करने पर ये पॉइंट 1 स्थान आगे खिसक जाएगा 6.6। तो ये हमारी समीकरण नंबर बन जाएगी 2। तो क्या सिखाया हमने आपको कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हमने दिए गए समीकरण को 10 से गुणा कर दिया, तो समीकरण नंबर कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। अब हम बच्चों समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो देखो 10x में से x कट जाएगा, 10x माइनस 1x, इधर 6.6 इसमें से हम घटाएंगे 0.6। अब देखिए बच्चों क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, 10x से 1x घटाएंगे तो बचेगा 9x, और इधर घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0 बचेगा, और 6 में से 0 गया तो 6, तो 6.0 और 6.0 को हम 6 ही लिखते हैं। अब देखो ये x का गुणा 9 से हो रहा है तो ये 9 भाग में बदल जाएगा, x का मान ज्ञात करने के लिए 6 में 9 का भाग देंगे। अभी दोनों 3 से कटती है, 3 का भाग 2 बार गया, 3 का भाग 3 बार गया, तो x बराबर आ गया 2/3, ये इसका उत्तर आ गया x बराबर 2/3। अब देखिए इसका तीसरे का दूसरा सवाल, इसमें लिखा है 0.47 की बार, बच्चों ध्यान पूर्वक समझिए, अंक 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, यदि ये यहां पे हमने ये चीज पूरा लगा दिया होता इसका मतलब ये अंक 4-7 मतलब 47, इस 4-7 दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होती, लेकिन हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 7 के ऊपर ये चीज लिखा हुआ है, तो हम दी गई संख्या को सबसे पहले क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.47 की बार, या x बराबर 0.47 4-7-7, इस 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों यहां पे हमारे पास 2 अंक है पहले, तो आप सबसे पहले समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक हमारे पास तो हम 100 से गुणा करेंगे, अब समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर,
इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो x गुणा 100 और 0.477 है जो हमारे पास में, इसका भी हम गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये बन जाएगा 100x। अब देखो यहां पे 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 आगे से आ जाएगा, यानी इस 7 और 7 के बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा 47.7। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। हमने समीकरण 1 को 100 से गुणा कर लिया। अब देखो यहां पे हमारे पास ये एक अंक ऐसा है 4 वाला जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक अंक ऐसा है, तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उनकी गिनती कर लो। इस एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब अब हम इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। एक बार हमने 100 से गुणा कर लिया और एक बार हम 10 से गुणा करेंगे, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब देखो इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x गुणा 10 और इधर आ जाएगा 0.477 गुणा 10, तो ये बन जाएगा 10x। इधर 10 से गुणा करने पर 0.1 आगे खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 4.7 और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो बच्चों हमारे पास समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया और 3 भी प्राप्त हो गया। 2 कैसे प्राप्त हुआ, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, और 3 कैसे प्राप्त हुआ, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब हम ये बड़ी समीकरण है 100x वाली और ये छोटी समीकरण है 10x वाली, तो 2 में से 3 को घटाएंगे हम। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, अब हम घटाएंगे, देखो ध्यान देना, हमारे पास 2 तो ये 100x और 3 में लिखा 10x, 100x से 10x घटाएंगे तो 90x बचेगा। इधर देखिए बच्चों ये 47.7 है, इसमें 4.7 घटाएंगे तो आप घटा के देख लो 47.7, इसमें से घटेंगे 4.7, 7 से 7 गया 0, 7 से 4 गया 3, 4 का 4 ये पॉइंट 43.0, इसका मतलब 43। तो जब 90x बराबर हमारे पास आ गया 43, इसलिए अब हम आगे करेंगे तो x का गुणा 90 से हो रहा है तो 90 का भाग 43 से दे देंगे हम, इसलिए x बराबर 43/90। तो देखो ध्यान से 0.47 की बार इसको हमें p/q कांस्टेंट के बराबर की 43/90 के रूप में प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसका तीसरे का तीसरा सवाल बच्चों, इसमें लिखा 0.001, इन तीनों अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है, यानी इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लिखेंगे माना x बराबर 0.001 या x बराबर 0.001 फिर 0.01, ये इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब चूंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इस समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे बच्चों, किससे गुणा करेंगे, 1000 से। हमने आपको बताया जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने से गुणा करते हैं, एक अंक की पुनरावृत्ति तो 10 से गुणा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति तो 100 से गुणा, और 3 अंकों की पुनरावृत्ति तो 1000 से गुणा। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, हम 1000 से गुणा करेंगे, इसको भी 1000 से गुणा करेंगे हम,
तो हमने लिखा x गुणा 1000, इधर 0.0001001, इसका गुणा भी किससे करेंगे बच्चों, 1000 से करेंगे। तो 1000 को x से गुणा करने पर क्या बन जाता है, 1000x। अब देखो इस संख्या को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 में 3 शून्य आती है, तो हमारा पॉइंट 3 अंक आगे खिसक जाएगा, 1, 2, 3, यानी 1 के बाद में लगाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, इस 0 का मतलब नहीं रहेगा, यहां लगाएंगे तो बन जाएगा 1.001, और ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, समीकरण लिखना पड़ेगा 2 में से 1 घटाने पर, तो 1001 से घटाएंगे x, और इधर 1.001 इसमें से हम घटाएंगे 0.001, तो देखो क्या बचेगा, 1000 से 1x घटाएंगे तो 999x। इधर देखो ये संख्या यहां तक समान है, तो इसमें से घटेंगे 0 बचेगा, तो 1 बच जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगी तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1। यह घटक देखो 1.001 है हमारे पास, इसमें से हम घटाएंगे 0.001, देखिए 0, 0 और 1, 1.000, इसका 1 बच गया। अब ये x का गुणा 999 से हो रहा है, तो 999 भाग में बदल जाएगा, x बराबर 1/999। तो देखो 0.001 की बार है ये, इसको हमने p बटा q के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका आंसर क्या आया, x बराबर 1/999, ये इसका आंसर आया।